हेलो सर, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि आपको दाढ़ी बनाने के लिए पैसे दे पाएँ। आप एक काम कर सकते हैं, अपने यहाँ के बाल को अपने सिर पर लगा सकते हैं। सर, आपको शैम्पू की तो ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। तो एक बार फिर से हम आ चुके हैं ट्रेलर लाइफ सिमुलेटर 2 के एपिसोड में, और पिछले एपिसोड में हमने बैंक जाके बैंक से लोन लिया था $1000 का। लेकिन मैं सोच रहा था कि मुझे और कुछ ज़्यादा ही पैसा मिल जाएगा बैंक से, लेकिन सिर्फ $1000 ही मिला था। लेकिन चलो देखते हैं, जिसमें हमने बहुत सारे जिसमें काफ़ी सारे सामान अपने दुकान के लिए खरीदे थे जेवर शॉप से, तो आज जाके देखते हैं और जेवर शॉप में क्या है और हमारे दुकान में और क्या क्या चीज़ की कंप्लेंट्स आ रही है। वैसे सबसे पहले अपने को जाके पेट पूजा करना पड़ेगा, क्योंकि ये हंगरी दिखा रहा है। हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है। हम दूसरे को तो बेचते हैं लेकिन खुद ज़्यादा खाना नहीं खाते, इसलिए शायद आपको भूख जल्दी लगती है। और इसमें नहीं पता, चलो हम एक बिस्किट खा लेते हैं और ये कोको कोला पी लेते हैं। और ये हमारा मैनेजर है। चलो कंप्लेन देखते हैं सबसे पहले। अभी तक तो कोई कंप्लेन नहीं आई है, क्योंकि हमने काफ़ी सारे ये ऊपर तक देख रहे हो, ये चावल की बोरी भी इधर रख दिए हैं। कंप्लेन चिप्स लेके, चाय से लेके, गम से लेके, हर चीज़ हमने यहाँ रख दिए हैं। तो चलो अब हमारे पास हो चुके $789 यानी ₹789। तो देखते हैं आप क्या करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ अब सबसे पहले मेरे को इक्विपमेंट स्टोर में जाके फ्रिज ले लेना चाहिए, क्योंकि पिछला में फ्रिज की काफ़ी डिमांड आ रही थी। फ्रिज में हम चिकन भी रख सकते हैं और मिल्क से बनी चीज़ें भी रख सकते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ चलो चलते हैं, अगर कुछ सस्ता सुंदर टिकाऊ कोई फ्रिज होगा इक्विपमेंट शॉप में तो देखते हैं। वैसे मैंने पिछला फ्रिज तो 1200 या 1100 के आसपास कुछ देखा था, वहीं जाके पता लगेगा कि कितना का है। जेवर शॉप में आके देखेंगे फिर हल। लेकिन सबसे पहले चलते हैं इक्विपमेंट स्टोर में, देखना पड़ेगा आसपास कहाँ इक्विपमेंट स्टोर। ये हम आ चुके इक्विपमेंट स्टोर में। वैसे एक काफ़ी बड़ा और अच्छा शोरूम टाइप का स्टोर है, जहाँ देखते हैं लाइट की तो ज़रूरत नहीं है। हेलो सर, हमें फ्रिज मिल सकता है क्या सर? ठीक है, देखते हैं। शेल्फ है ये, इतना बड़ा शेल्फ है $2000 का। ये फ्रिज है $2000 का फ्रिज भाई, ये बड़ा है, इससे काफ़ी अच्छा है। ये क्वालिटी 1350 का, काफ़ी महंगे है फ्रिज तो, 1000 का फ्रिज है ये, 1000 भी नहीं है हमारे पास। ये कितने का? 700 का फ्रिज, ये काफ़ी अच्छा है, ये भी 1200 का, ये $1000। तो मैं सोच रहा हूँ ये वाला ख़रीद लेते हैं अपन। चलो अब हमारे पास ओनली $11 बचे हैं, तो यहाँ और कुछ आएगा क्या $11 में? हेलो सर, आपके पास कुछ $11 में है क्या? नहीं है क्या? चलो नहीं है बोलते गाइस ये। चलो ठीक है, स्टूल ले सकते हैं क्या? नहीं, ये भी नहीं ले सकते। ऐसे जब हम अपना दुकान में और बहुत सारी चीज़ जब रखेंगे, जब यहाँ से काफ़ी सारे ये सब लेके जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉनिक्स रखेंगे अपने शॉप में, काफ़ी सारे मोबाइल रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सामान रखेंगे, मोबाइल्स रखेंगे, तब ये सब काम आएगा। और ये वाला तो 1700 का शेल्फ है, ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये वाला शेल्फ में तो। फिलहाल ब्रेड स्टैंड अपने को अभी ज़रूरत नहीं है, ब्रेड स्टैंड की पैसे भी नहीं है अपने पास। तो चलो सबसे पहले अपने शॉप में चलते हैं। जेवर शॉप में जाने के लायक तो हमारे पास कुछ है नहीं अभी, रास्ते में चलते हुए ले जाएंगे। अगर कुछ मिलेगा हमको जेवर शॉप से $45 में तो हम ख़रीद लेंगे। ये क्या? नहीं, ये तो क्लोथ स्टोर है। ये आ गए हम जेवर शॉप। और ये खड़ा है, लेकिन हमारे पास इसको देने के लिए पैसा नहीं है। फिलहाल फ्रिज में जाते हैं, कुछ ले सकते हैं क्या? कंप्लेन देख लेते हैं क्या क्या कंप्लेन आ रही है। ग्राउंड मीट आ रही है, शुगर, चेरी स्मूदी, बॉडी ऑयल, फ्रूट आइसक्रीम। ठीक है, फ्रूट आइसक्रीम देखते हैं कौन सा है। वनीला आइसक्रीम, फ्रूट आइस, चॉकलेट आइसक्रीम, फ्रूट आइसक्रीम $69 का है, ख़रीद लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डार्क आइसक्रीम भी ठीक ही है, चेरी स्मूदी ख़रीद लेते हैं, क्योंकि हमारे शॉप में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है चेरी स्मूदी की। और ठीक है वैसे तो, अब हम चलते हैं अपने शॉप की ओर, वहाँ जाके फ्रिज लगा देंगे, फिर एक्सप्लोर करने चलना है कि अपने शॉप में और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है और
हमको क्या क्या चीज़ खरीदने पड़ेंगे अपने शॉप के लिए। और ये शायद पेट्रोल पंप है, हमारी गाड़ी में अभी 50% पेट्रोल है, गैस है, ऑयल भी है, मुझे नहीं लगता कि और भी ज़रूरत पड़ेगी। ये है रिपेयर शॉप, गाड़ी तो अच्छी खासी चल रही है, वैसे काफ़ी जगह ठोक दिया मैंने लेकिन अच्छी खासी चल रही है। अगर बैंक हमको और भी ज़्यादा लोन देता ना तो मैं एटलीस्ट $4,000-5,000 का लोन ले लेता, फिर बाद में प्रॉफिट कमा के बैंक को लौटा देता। तो चलो इधर रखते फ्रिज पीछे में, ताकि कोई भी नहीं, यहाँ रखते फ्रिज, ये यहाँ ठीक दिख रहा फ्रिज। चलो गाइस ठीक, फाइनली हमारा फ्रिज रख चुके हैं हम, सारे चेरी स्मूदी को लगा देते हैं, मुझे लगता है अब बिक जाएगा, काफ़ी ज़्यादा फ्रिज हो चुका है हमारे पास। वैसे ये फ्रिज बोलते हैं लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा ये हकीकत का फ्रिज है कि नहीं है, पीछे से तो पूरा खाली दिख रही है मेरे को। ठीक है चलो इधर पूरा ये सब सामान रखेंगे, इसके बाद मीट भी रखेंगे। तो चलो गाइस हम अपने घर जाते हैं, और वहाँ जाके देखना पड़ेगा हमको अपने शॉप में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं सोच रहा था अपने घर के लिए एक अच्छा सा सोफ़ा सेट खरीद लूँ और बेड भी अच्छा वाला खरीद लूँ, लेकिन बेड और सोफ़ा सेट काफ़ी ज़्यादा महंगा है, और अभी हमारे पास अपने दुकान में रखने के लिए सामान लेने के लिए पैसे नहीं है, तो सोफ़ा सेट भूल ही जाओ। फिलहाल देखते हैं अगले एपिसोड में, अगर हमारे पास पैसा हो जाएगा ना तो अपन जाएंगे सबसे पहले फर्नीचर स्टोर, और सेकंड हैंड फर्नीचर स्टोर नहीं जाएंगे, जहाँ नया मिलता है ना, जो पिछली बार मैं दिखाया था वहीं जाएंगे। वहाँ का जो बेड था और सोफ़ा सेट था काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, जो कि एक सेट मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया था, और मैं जितना जल्दी हो सके यहाँ ऐसा लगाऊंगा, और एक डाइनिंग टेबल भी रख देंगे, और मेरा रूम भी काफ़ी खाली खाली है, जहाँ एक अलमारी लगा सकता हूँ मैं इधर से, जिसे मैं अपने काफ़ी सारे कपड़े रख पाऊँ। ठीक है सो जाते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो।